हेलो जी, तो आज हम बात करने वाले इक्वालिटी में मानने वाले एंटीबॉडी शेविंग जोक्स के टॉर्च बियरर लक्ष्य चौधरी की। अगर आप लक्ष्य को नहीं जानते हो तो ये पार्ट टाइम पीनट बटर सेल्समैन है और फुल टाइम बीजेपी की पीआर एजेंसी। देखो, हेट कोई नहीं गाइस, मजे हैं बस। और वैसे मैंने वीडियो बनाने से पहले मैसेज कर दिया था जिसका रिप्लाई नहीं आया। एनीवेज, मूविंग ऑन टू लक्ष्य कॉन्टेंट, कल रास्ते में पड़ा था। लक्ष्य की वीडियोस देख के टाइम रुक सा जाता है क्योंकि इनका कंटेंट 2017 से बाहर ही नहीं आता। What do you do for a living? भाई क्रिएटर हूँ। क्या क्रिएट करते हो? भाई अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स। लक्ष्य बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं अपने दिमाग की और बहुत मेहनत भी करते हैं मीम्स को वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में। लक्ष्य पीरियड्स पर काफी जोक करते हैं और इसी स्पीड से अगर वो बने रहे तो एक दिन एक सक्सेसफुल फीमेल स्टैंड अप कॉमिक बन ही सकते हैं। हर बार प्रेग्नेंट होना ही सलूशन नहीं होता है, कई बार प्रेग्नेंट नहीं भी होना चाहिए। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे चाहिए थी शादी में फॉर्च्यूनर और तेरे पापा बलिनों से ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे। लड़कियों का क्या है, जो किस्मत में होगी बैठे बिठाए आएगी, घर पे रजाई में लेटे लिटाए आएगी, इवन एक स्विफ्ट गाड़ी लेके आएगी। लक्ष्य अपनी ज्यादातर बातों में यही डिस्कस करता है कि वो दहेज कितना लेगा और वो दहेज में क्या क्या लेगा, पर वो कभी ये नहीं बताता कि उसे लड़की कौन देगा। लक्ष्य सो मिसोजिनिस्ट कि वो अपनी बीवी को बोलेगा, ए तुझसे बात नहीं कर रहा मैं, कोई मर्द है तो भेज। लक्ष्य एक छोटा सा सजेशन है, अपने राइटर को पैसे दिया करो, गांजा नहीं। 1.5 साल से सेम पंचलाइन लिख के दे रहा है क्योंकि 2016 वाले जोक चल सकते हैं इंस्टाग्राम, जैसे कि 2012 के व्हाट्सएप फॉरवर्ड को वीडियो था, 2012 के व्हाट्सएप जोक्स का तड़का। मुझे लगता है कि 2014 वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लोगों ने सुने नहीं होंगे। लक्ष्य को नहीं पसंद है कि कोई भी 2012, 13, 14, 16 के कॉपीड व्हाट्सएप फॉरवर्डेड जोक्स मारे, फिर वो क्या मारेगा? समझ गए, वो 2012 वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड जोक्स मार रहे हैं, पर आप ये सेम पंचलाइन के 2032 तक यूज करोगे? नहीं, अपने बेटे को वसीयत करके जाओगे? लक्ष्य 10 मिनट की वीडियोस में 3 मिनट का ब्रांड प्रमोशन डालता है, समझ नहीं आता है प्रमोशन में वीडियो या वीडियो में प्रमोशन। भाई स्पॉन्सरशिप से इतने ही पैसे आ रहे हैं तो कुछ राइटर को भी दे दिया करो। कलयुग चल रहा है। Of course. और खत्म होने वाला नहीं, अब तो बहुत टाइम है। कोई आप डेट दे सकते हो रफली? अरे भाई कलयुग एंड्रॉइड फोन थोड़ी है जो अपडेट मांग रहे हो। नजर आ रहा है भाई कितना स्मार्ट पॉडकास्ट है, एकदम हर शब्द में स्मार्टनेस टपक रही है। स्वामी जी से कलयुग के अपडेट इतना सीरियस होकर मांगने से हॉस्पिटल से अपने डिस्चार्ज की डेट मांग रहे हो। डॉक्टर साहब कोई अपडेट दे सकते हो कि हम कब तक डिस्चार्ज हो जाए? भाई तीन बेसिक पंचलाइंस लिखने से पहले सुन लेते सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। अपडेट नहीं मांग रहा है, वो डेट पूछ रहा है। आप डेट दे सकते हो? सब टाइटल्स में भी लिखा था, पढ़ लेते हैं। खैर इतने पढ़े लिखे ही हो। नजर आ रहा है भाई कितना स्मार्ट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट स्मार्ट तो है क्योंकि आपको समझ आ नहीं। लक्ष्य चौधरी का कंटेंट मैच्योर हो गया है और बेटर हो गया है ऐसा उनको लगता है। मेरा तो स्टूडियोग्राफ कंट्रोवर्सी से ही ग्रीन है। कंट्रोवर्सीज धर्म के नाम पे और दंगों से, पहले से वोट्स मिलते थे, आजकल सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। लक्ष्य का चैनल ही देख लो। वो अब instagram.com पे टैक्सी ड्राइवर्स का एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके नाम पे ऐसी कॉमेडी कर रही। पहले तो पूरे दिन में ट्रक चलाऊं, शाम को एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम खोलूं तो तुम। लक्ष्य को सारा कुछ पता है कि ट्रक वाले, रिक्शे वाले, कैब वाले अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या देखते हैं क्योंकि उसका प्राइमरी करियर ऑप्शन कनाडा जाके उबर चलाने का। बट लक्ष्य के बारे में अच्छी बातें भी बहुत है कि वो बॉडी शेमिंग जोक्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। उसे समझ आ गया कि बॉडी शेमिंग जोक्स गलत होते हैं जब उसकी ऑडियंस ने उसे बताया, पर आज वो ट्रक वालों पे, रिक्शे वालों पे, ऑटो वालों पे जोक मारता है क्योंकि उसे पंचिंग डाउन का रूल किसी ने नहीं बताया क्योंकि उसकी ऑडियंस भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। देखो ट्रक वाले कुछ भी देखे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, पर लक्ष्य चौधरी की वीडियोस तो नहीं देखते हैं क्योंकि इतना गंदा टेस्ट तो उनका भी नहीं है। वो दोस्तों जो भी क्रिएटर्स ये डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ का सोशल मीडिया पे बड़ा फैंसी सा ड्रामा करते हैं ना, ये सब सिंपैथी और अटेंशन लूटने के लिए होता है और कुछ नहीं। जिसको रियल में हो रहा होता है ना, वो सोशल मीडिया पे आके रोता नहीं है क्योंकि आजकल के हमारे यूथ जेन जी को थोड़ा कूल लगता है अपने आप को डिप्रेस दिखाना। कूल है ना मैं डिप्रेस? लक्ष्य को लगता है सारे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स internet.com पर डिप्रेशन और एंजाइटी का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं फॉलोअर्स के लिए। पर लक्ष्य खुद 11वीं में अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन से जूझ रहे थे और ये बात गूगल पर लिखी हुई है। लक्ष्य रोस्ट करने के लिए सिर्फ इंस्टाग्राम से दूसरों की वीडियोस नहीं उठाते हैं, मीम पेजेस के कमेंट सेक्शन से जोक्स भी उठा लेते हैं। नहीं देखो, कुत्ता और बिल्ली पालने से तो आसानी है गलतफहमी पालना। मैं पिछले 4 दिनों से नहीं हंसा था, फिर मैंने ये वीडियो देख ली, आज मेरा 5वां दिन। मैं तो भाई साहब कहता हूँ मैं बिकाऊ हूँ भाई। गाइस लक्ष्य एक्सेप्ट करता है कि वो बिकाऊ है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बस फनी नहीं कर पा रहा। हैवी क्रिंज कॉमेडियंस, क्रिंज इंस्टाग्राम क्वींस, इंस्टाग्राम क्रिंज कॉमेडियंस। लक्ष्य क्रिंज वर्ड का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके 1500 नए वीडियोस निकाल सकता है सेम पंचलाइंस के साथ। लक्ष्य को हर कोई क्रिंज लगता है क्योंकि वो अपना खुद का कंटेंट नहीं देखते। पूरी दुनिया को
क्रिंज और अनफनी बोलने के बाद ये है लक्ष्य का ओपनिंग जोक। ये है सितंबर में पैदा हुए अगस्त, अगस्त शाह। अच्छा। लक्ष्य इज वेरी प्राउड ऑफ दिस जोक। उसने पूरा पॉज लिया है ताकि हमें हंसने का मौका मिल जाए। हाउ कंसिडरेट गाइस। अगस्त और लक्ष्य में एक ही डिफरेंस है कि अगस्त खुद अनफनी होके दूसरों को अनफनी नहीं बोलता। लक्ष्य आर्मी ट्रेनर्स की जॉब दिलाने वाली बात पर रोस्ट कर रहा है। काफी सारे चैनल है जो आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग देने के नाम पे यूट्यूब वेब सीरीज शो चला रहे हैं। इतने पूरे साल में भर्ती नहीं लगती जितने बच्चों की नौकरी लगवाने की लोग गारंटी लेते हैं। और 3 ही सेकंड बाद एक जॉब दिलाने वाली ऐप को प्रमोट कर रहा है। ये फिजिकल एकेडमीज तुम्हारा कितना बड़ा प्लेसमेंट करा सकती है वो तो इनके गुरुओं के प्लेसमेंट से ही तुम्हें पता लग सकता है। बट आई रिकमेंड यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस जाने की बात कर रहा है। इतना टाइम मुखर्जी नगर के किसी टीचर की ऑनलाइन क्लास में दूंगा। और ट्वीट में JNET को ट्रोल कर रहा है। लक्ष्य पॉडकास्ट को ट्रोल कर रहा है और खुद जाके पॉडकास्ट कर रहा है। भाई कर क्या रहे हो भाई, अपना मल्टीवर्स बना रहे हो। ये वो बंदा है जो खुद से एग्री नहीं कर पाए। लक्ष्य के ओपिनियन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफर करते हैं। अगर टिकटॉक बैन ना हुआ होता तो कच्चा बादाम को रोस्ट करने के बाद ये खुद घाघरा पहनकर टिकटॉक पर उस पर वीडियो बना रहे होते। अभी लड़कों की सलोन नहीं आ पाओ क्या, किसी बात पर तो टिक कर रहो। लक्ष्य का ट्विटर बायो है मस्ती कर दूंगा पता भी नहीं चलेगा, कॉमेडी लिखना चाहिए था। ये यूट्यूबर्स के एंड आर अपनी वीडियोस को प्रोजेक्ट बम का कॉन्फिडेंस कहा से जा रहा है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के बाद एक मार्क्स डजंट मीन आपकी जॉब जगी है एंड जॉब डजंट मीन आपको खुश रखेगी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टर्निंग इनटू स्कूल्स। Like if a child is going to school then what's the logic of joining online edtech apps for multiple hours of studies? Ye to school hi hagya na dobra emoji neutral face. Lakshya nahi chahta hai ki koi bhi padhai karke intelligent ho jaye warna uske subscribers kam ho jayenge. Jahan influencer ni bola guys I found this amazing my vahi video skip cardetta hube. But agar tumhe acche drama dekhne hain to wo to Hotstar Prime. इन कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूंगी कि ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है और चेयर लगा के किसी को भी रोस्ट कर देना, क्रिटिसाइज करना, ओपिनियन देना बहुत आसान होता है, तो मैं अब आसान काम करूंगी। ऑल आइडियाज कमेंट कर देना क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। और हेट मुझे कोई नहीं है, किसी से नहीं है। ठीक है, वैसे भी मुझे लक्ष्य की वीडियोज बहुत पसंद है जब वो खत्म हो जाती है।